अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रेड पेपर फिश। इसके लिए मैंने ली हुई है फ़िश फिले। ये पूरी फ़िश में से एक साइड का लेयर मैंने इसको फिले करवाई है, मतलब ये हाफ फिश है। इसको मैंने फिले करवाने के बाद इसमें मैंने इतने मोटे मोटे पीसेस कर लिए। इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाल के मैरिनेट कर दिया। तकरीबन आधा पौना घंटा मैरिनेट कर ले। इसको जब हम बनाएंगे, हमने इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए या तो आप टेम्पूरा मिक्स ले लें, जो टेम्पूरा मिक्स पैकेट मिलते हैं वो, या आप हाफ कॉर्नफ्लावर और हाफ मैदा ले लें। मैंने ये टेम्पूरा मिक्स लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून मैंने टेम्पूरा मिक्स लिया हुआ है। अगर आप मैदा और कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहे हैं तो आधा आधा कॉर्नफ्लावर और आधा आधा मैदा ले लें। इसमें जाएगा एग वाइट। जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे जब डालेंगे, अभी सिर्फ हम मैरिनेशन करके रहने देंगे। इसके अंदर चिली पेस्ट हमने डालना है। इसके लिए मैंने ये जो सूखी वाली लाल मिर्ची आती है ये वाली, इसको मैंने तकरीबन पानी गर्म किया 2 घंटा पहले, और इसके अंदर मैंने 15 से 20 ये मिर्चें डाल दी, और ये 2 घंटे से भिगोई हुई है तो ये अभी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इस पानी को ड्रेन आउट करके इसको पीस लूँगी। अगर आप चाहे तो सिर्फ इसी मिर्चों का पेस्ट बना है, आप चाहे तो ये और ये मिक्स कर ले। ये लाल वाली शिमला मिर्च है, फ्लेवर की वजह से मैं डाल रही हूँ। समटाइम्स ये मिर्चें बहुत तीखी होती है सो ये माइल्ड हो जाएगी, तो लेवल हो जाएगा, इस वजह से मैं ये 2 मिर्चें मिक्स कर रही हूँ। ये तकरीबन पौना बड़ी साइज़ का पौना रेड बेल पेपर है। ये दोनों को हमने पीस कर पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके अंदर जाएगा 1.5 टीस्पून या 1 टेबलस्पून जितना सोया सॉस। मैं इसका इंग्रेडिएंट्स में लिख दूंगी एग्जैक्ट क्वांटिटी। इसके अंदर सब्जियों में जाएगा रेड और ग्रीन बेल पेपर, पाव पाव लिया हुआ है मैंने, चकोर में कट कर लिया क्यूब्स में। एक छोटी साइज़ की प्याज, इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। एक स्प्रिंग अनियन, इसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। 3 से 4 ड्राई वाइट चिली, इसको मैंने इतने इतने पीस कर लिए हैं बीच में से आधा करके। 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, 3 से 4 या 5 क्लोव ऑफ गार्लिक को मैंने चॉप कर लिया है। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है, तो मैं चक्कर मिलाऊंगी। और 1/2 इंच का टुकड़ा जिंजर चॉप। मैंने इसमें 1 एग व्हाइट डाल दिए। अब मैं इसके अंदर ये टेम्पूरा मिक्स या मैदा और कॉर्नफ्लावर मिक्स डाल दूंगी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 लेयर के अंदर फिश, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी मीडियम टू हाई हीट पे। तीन से चार मिनट में हमारी फ़िश हो जाएगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, हम इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। हमने कढ़ाई में तेल ले लिया, मैंने वही वाला तेल लिया हुआ है जिसमें हमने फ़िश फ्राई की थी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये लाल वाली मिर्चें। गार्लिक, जिंजर, इसको हम स्टर करेंगे तकरीबन 30 सेकंड तक कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये हो जाएगा, हल्का सा पिंक आना स्टार्ट हो जाएगा, मैं इसके अंदर डाल दूंगी 3 टीस्पून पूरा भर के 3.5 टीस्पून पूरा भर के ये चिली सॉस, चिली जो हमने चिली पेस्ट बनाया हुआ था ये, इसको हम स्टर करेंगे। मैंने 10 सेकंड तक इसको भूना। अब मैं इसके अंदर ये सारे हमारे जो वेजी है ये डाल दूंगी, इसको मिक्स कर लूंगी, और अगेन इसको 10 से 20 सेकंड तक थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई करूंगी। और इसके बाद 20 सेकंड बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून पूरा भर के।
इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना। और ये जो हमने फिश निकाली हुई थी ये डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये पूरा मिक्स हो जाएगा, मैं इसके अंदर हरा धनिया और ये हरा प्याज डाल दूंगी और ये डिश आउट के लिए रेडी है। मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नमक की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये रेडी है हमारी रेड पेपर फिश, या वैसे ही एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।